हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू दिपेनिज्म। आई एम डॉक्टर दिपेन शाह एंड आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिंस, दैट इज द टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। और हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर हम लोग कभी भी पेशेंट का जब भी ब्लड सैंपल लेते हैं टू डायग्नोज के कौन सा टाइप का इन्फेक्शन है, तो जिस टाइप का एंटीबॉडी, उसका एंटीबॉडी का लेवल बढ़ता है, उसके बेसिस पे हम लोग जजमेंट लेते हैं कि कौन सा टाइप का इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये जो टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज है, इसका डिस्कशन बहुत ही जरूरी है। सो ऑल द फ्यूचर डॉक्टर्स, लेट्स बिगिन द डिस्कशन। यस, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी इम्यूनोग्लोबुलिंस या एंटीबॉडीज। स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी तो हमने डिस्कस कर ही लिया था। सो आप लोग को याद रखना है कि इम्यूनोग्लोबुलिंस जो है उसके टोटल 5 टाइप्स होते हैं। देर आर 5 टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिंस दैट आर फाउंड इन ह्यूमंस। तो उसमें उसका शॉर्ट फॉर्म है IG। तो ऐसे 5 टाइप के IG के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। IG। बट IG के जो डिफरेंट टाइप्स है उसमें आप लोग को याद रखना है गम दे। जिंदगी में गम तो बहुत है, अभी और गम दे किसी को। यस, तो हम लोग तो गम कम करने वाले हैं एज अ डॉक्टर। यस, तो आप लोग ये शॉर्ट फॉर्म से याद रखेंगे ना। ये शॉर्ट फॉर्म गम दे का मैंने इसके लिए बनाया है क्योंकि इस ट्रिक से आपको कुछ चीज़ें याद हो जाएगी। तो आप लोग समझना स्टार्ट करें कि जो 5 टाइप्स है इम्यूनोग्लोबुलिंस के, ये मैंने जो डिस्ट्रीब्यूट किया है, अरेंज किया है, अलग अलग बुक में आपको अलग अलग सीक्वेंस मिलेगा, बट मैंने इसको जो अरेंज किया है दैट इज बेस्ड ऑन देयर परसेंटेजेस। मतलब जो हमारे ब्लड में एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होगा, तो सबसे ज्यादा जो एंटीबॉडी मिलता है दैट इज IgG, विच इज अराउंड 75-80%। So IgG is found in the maximum concentration. इसके लिए इसको हम लोग बोल देंगे as the most abundant antibody. The most abundant antibody is IgG. IgA जो है, it is found at concentration of around 10%. IgM is found at the concentration of 5-10%. IgD is around 1-3%. एंड IgE इज अराउंड 0.5%। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में इजीली आप लोग मेमोराइज कर सकते हैं। गम दे के सबसे ज्यादा IgG मोस्ट एबंडेंट, एंड जो सबसे ट्रेस अमाउंट में, लीस्ट अमाउंट में, दैट इज IgE एंटीबॉडी। नाउ इसके यूनिक फीचर आप लोग को स्टेप बाय स्टेप समझना है। नाउ IgG जो है ये मोस्ट एबंडेंट एंटीबॉडी तो है ही, साथ में IgG जो होता है ये पास हो सकता है थ्रू प्लेसेंटा। सो इट इज नोन एज अ ट्रांसप्लेसेंटल एंटीबॉडी। नाउ जब भी हम लोग इसको ट्रांसप्लेसेंटल एंटीबॉडी बोलते हैं, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड ये मदर से पास होगा इनटू द फीटस। सो मदर से फीटस में पास होगा, मतलब जो फीटस को पैसिव इम्यूनिटी मिलेगा, जो हम लोग ने एक्वायर्ड में एक्टिव पैसिव का डिस्कशन किया, तो पैसिव इम्यूनिटी जो फीटस को मिलता है दैट इज थ्रू दिस IgG एंटीबॉडी। उसके अलावा और एक इंपॉर्टेंट नीड के लिए पॉइंट याद रखना है, IgG जो है ये लाइटेस्ट एंटीबॉडी है। लाइटेस्ट क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ही कम होगा। सबका मॉलिक्यूलर वेट मेमोराइज करने का जरूरत नहीं है, बट इसका मॉलिक्यूलर वेट आप लोग याद रख सकते हैं अराउंड 146,000 है। सो इसका सबसे कम है, तो इसको हम लोग लाइटेस्ट वाला जो है दैट इज द IgG। तो IgG मोस्ट एबंडेंट है। कहाँ पे यूजली प्रेजेंट रहेगा, तो मेनली प्रेजेंट इन ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड में भी प्रेजेंट रहेगा। ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड, मतलब लिम्फ वगैरह में भी प्रेजेंट रहेगा, और ये ट्रांसप्लेसेंटल। तो IgG के बारे में आप लोग को सब कुछ चीज पता होना चाहिए। कोई पूछेगा मोस्ट एबंडेंट कौन सा है, जी। ट्रांसप्लेसेंटल कौन सा है, जी। जो लाइटेस्ट कौन सा है, जी। ब्लड और टिश्यू फ्लूइड में कौन सबसे ज्यादा मिलेगा, जी। हाँ जी, समझ रहा है जी। तो जी के बारे में सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, तो दैट इज IgG। अभी आते हैं IgA के ऊपर। IgA जो है, ये IgA एंटीबॉडी इज प्रेजेंट इन मदर्स मिल्क। ये मदर्स मिल्क में मिलेगा, और मदर्स मिल्क को आफ्टर प्रेगनेंसी जो मिल्क प्रोड्यूस होगा दैट इज नोन एज कोलोस्ट्रम। तो ये कोलोस्ट्रम में प्रेजेंट होगा। तो अगेन यू कैन अंडरस्टैंड कि ये वापस से मदर टू बेबी ये एंटीबॉडी ट्रांसफर होगा। तो बेबी को जो पैसिव इम्यूनिटी मिलता है वो 2 टाइप के एंटीबॉडीज की वजह से मिलेगा। एक तो IgG ट्रांसप्लेसेंटल, दैट इज बिफोर बर्थ एंड आफ्टर बर्थ थ्रू मदर्स मिल्क। उसके अलावा मदर्स मिल्क के अलावा दिस IgA एंटीबॉडी इज ऑल्सो प्रेजेंट इन ह्यूमंस इन वेरियस अदर सिक्रीशंस, लाइक म्यूकस में प्रेजेंट होता है, या फिर सलाइवा में, स्वेट, टीयर्स, मतलब बहुत सारे ये फ्लूइड्स में इसका प्रेजेंस होगा। दैट मीन्स म्यूकस मेम्ब्रेन का लाइनिंग तो बहुत सारे पैसेजेस में होता है, एंड इवन सलाइवा कंटेन्स दी IgA एंटीबॉडीज। मतलब द पॉइंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो भी इनहेल्ड पैथोजेंस होंगे,
या फिर इंजेस्टेड पैथोजेंस होंगे. सो इनहेल्ड एंड इंजेस्टेड पैथोजन से फाइट करने के लिए वी हैव द एंटीबॉडी दैट इज प्रेजेंट ऑन द बॉडी सर्फेसेस. तो बॉडी सर्फेसेस पे जो एंटीबॉडी का प्रेजेंस होगा दैट इज गोइंग टू बी IgA. तो ये इंपॉर्टेंट फीचर आपको याद रखना है IgA के बारे में. मैं यहाँ पे सेक्शन भी बना देता हूँ सो देर इज नो कन्फ्यूजन कि बॉडी सर्फेस पे देर इज IgA, क्योंकि वो बहुत सारे बॉडी फ्लूइड्स में अलग अलग बॉडी फ्लूइड्स में प्रेजेंट है. IgM, IgM का डिस्कशन बहुत अच्छा है. आपको याद रखना IgM के बारे में ये मेगा है. मतलब कोई भी टाइप का एंटीजन आएगा तो सबसे पहले कौन, कोई भी अगर फाइट वगैरह हो गया तो सबसे पहले तगड़ा बंदा आगे आना चाहिए. तो IgM जो है वो सबसे पहले आके रोक लेगा, बिकॉज ये जो है ये हेवीएस्ट है, ये मेगा है, और ये ऐसे ही हाथ करेगा और रुक जाएगा. और जैसे ही पंजा दिखाएगा आपको क्या दिख रहा है, 5 fingers दिख रहे हैं ना. तो आपको याद रखना है IgM जो है ये मेगा वाला, ये पेंटामेरिक है, ये पेंटामेरिक है. मतलब इसमें 5 monomers से बना हुआ ये एंटीबॉडी है, पेंटामेरिक है, इसके लिए ये मेगा. आप लोग को याद रखना है मेगा मतलब में ये हेवीएस्ट है ना. सो आप लोग समझे कि मैं इतना क्यों ऐसा क्रिएटिव करके बता रहा हूँ कि आपके माइंड में याद रहे, अदरवाइज मेमोराइज करना डिफिकल्ट होगा. तो IgM के बारे में याद है मेगा, और मैंने क्या बोला, सबसे पहले झगड़े में तगड़ा इंसान पहले आ जाता है और रोकता है, ए रुक जा. तो ये रोकेगा मतलब ये फर्स्ट एंटीबॉडी टू बी एक्टिवेटेड. तो भले ही IgG सबसे एबंडेंट है, इट इज मोस्ट एबंडेंट, बट जो सबसे पहले तगड़ा एंटीबॉडी वो है IgM, वो सबसे पहले एक्टिवेट होगा. और आप लोग को और एक नीड के लिए पॉइंट याद रखना है कि जो सबसे पहले आएगा वो लास्ट तक रहेगा, जो सबसे पहले आएगा वो लास्ट तक रहेगा, मतलब वो सबसे पुराना भी कहलाएगा. सो IgM इज द फर्स्ट एंटीबॉडी एंड इट इज द ओल्डेस्ट एंटीबॉडी दैट इज प्रेजेंट. एंड ये स्ट्रॉन्ग एग्लूटिनेशन रिएक्शन देगा. एग्लूटिनेशन तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई दिया एग्लूटिनेशन क्या होगा, तो स्ट्रॉन्ग एग्लूटिनेशन देगा. और ये हेवीएस्ट है, इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है इट इज अराउंड 9,60,000. सो 9,60,000 के अराउंड उसका मॉलिक्यूलर वेट है, एंड ये पेंटामेरिक फॉर्म है इसीलिए ये लार्जेस्ट है. तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. IgD जो है ये मेनली प्रेजेंट होता है ऑन सरफेस ऑफ लिम्फोसाइट्स. तो लिम्फोसाइट्स के साथ ये प्रेजेंट होता है, मेनली अराउंड बी लिम्फोसाइट्स के सरफेस पे प्रेजेंट रहेगा, और ये इम्यून रिएक्शंस को एक्टिवेट करता है. तो सिग्नल देने में काम करेगा, इम्यून रिएक्शंस आर एक्टिवेटेड बिकॉज ऑफ दी IgD एंटीबॉडी. तो बहुत ही माइनर सा रोल है, बट वी कैनॉट से कि उसका इंपॉर्टेंट रोल नहीं है. बी लिम्फोसाइट्स के साथ वो एक्टिवेट करेगा, तो बी लिम्फोसाइट और फर्दर एंटीबॉडीज बनाएंगे थ्रू प्लाज्मा सेल्स. तो हम लोग को पता है IgE बहुत ही यूनिक टाइप का है. IgE जो है ये मेनली एक्टिवेट होता है ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शंस एंड और ड्यूरिंग पैरासाइटिक इन्फेक्शंस. तो पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो, जैसे कि एस्केरियासिस हो गया या कोई हेलमिंथिक इन्फेक्शन हो गया, या एलर्जिक रिएक्शंस हो, तभी IgE एंटीबॉडी बढ़ जाएगा. और इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विथ मास्ट सेल्स. मास्ट सेल्स टिश्यू में रहते हैं, हम लोग को पता है ये मस्त सेल्स है, मस्त काम करते हैं, जो सिक्रीट करते हैं अलग अलग सब्सटेंसेस का, हिस्टामिन वगैरह सिक्रीट करेगा, हेपारिन सिक्रीट करता है. तो हिस्टामिन नॉर्मली इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में एक्टिवेट होता है. तो ये एलर्जिक रिएक्शंस और पैरासाइटिक इन्फेक्शंस में IgE बढ़ जाएगा. तो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में क्या बोला था, हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, पेशेंट का जब भी हम लोग ब्लड सैंपल लेंगे, डिपेंडिंग ऑन कौन सा टाइप का एंटीबॉडी बढ़ गया है उससे हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे कौन सा टाइप का इन्फेक्शन हुआ है. तो काफी सारे ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन में एक्टिवेट होते हैं, बट ये IgE जो है वो एलर्जिक रिएक्शन में ही प्रोड्यूस होते हैं. जैसे एलर्जी हो सकता है, जैसे हे फीवर, देयर इज ब्रोंकियल एस्मा, तो ऐसे कोई तरह का एलर्जी होगा पेशेंट को तो ये बढ़ेगा. पैरासाइटिक वर्म इन्फेक्शन हो तो भी ये बढ़ेगा, और मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह रहेंगे तो ये सब टाइप के जी या एम वगैरह बढ़ जाएंगे. और ये बॉडी फ्लूइड्स में होगा, मतलब कहीं पे फ्लूइड्स में, मतलब ये कोई एरिया में देयर इज इन्फेक्शन, मतलब इट कैन बी इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक, तो वहां पे कहीं पे इन्फेक्शन हुआ रहेगा. सो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एंटीबॉडी विच इज एक्टिवेटेड, ये हम लोग को डायग्नोसिस में हेल्प करेगा कि पेशेंट का इम्यून सिस्टम ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहा है. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया है. IgG हां जी, बहुत सारे उसमें पैरामीटर्स चेक मार्क होते हैं. IgA बहुत सारे फ्लूइड्स में होते हैं. IgM मेगा वाला, तगड़ा वाला, सबसे पहले खड़ा हो जाएगा और रोकेगा, जो पेंटामेरिक फॉर्म में. IgD वो बी लिम्फोसाइट के मिलता है, और IgE एलर्जिक एंड पैरासाइटिक इन्फेक्शंस में बढ़ जाता है. सो दिस वी हैव डिस्कस्ड विद द टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिंस. होप यू लाइक द वीडियो. स्टे ट्यून्ड फॉर माय फर्दर वीडियोस. दैट्स ऑल फ्रॉम दिपेनिज्म.